परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके नेता राहुल गांधी जी, एआईसीसी के महासचिव, इस प्रदेश के प्रभारी सम्मान्य अविनाश पांडे साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी, हमारे उदयपुर से उम्मीदवार रघु मीणा जी, एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार साहब, महेंद्रजीत मालविया जी, अर्जुन बामनिया साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी ताराचंद बघोरा साहब, दिनेश खोडनिया जी, चांदमल जैन साहब, जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ भानु प्रताप जी, आदरणीय डॉक्टर गिरजा व्यास जी, गणेश गोगरा जी, श्रीमती खड़िया जी, नानालाल निन्नामा साहब, कांतिलाल जी, नागराज जी, मंच पर सभी पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, और इस पवित्र भूमि में वागड़ की धरती पर आप सब जो पधारे हुए हैं, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज मैं आप सबकी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आदरणीय राहुल गांधी जी का राजस्थान में और इस पावन भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करिए। आज वो मुबारक मौका है, लोकसभा के चुनाव हमारे राजस्थान सहित पूरे देश में चल रहे हैं, आज मतदान है तीसरे चरण का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दो चरण में जो मतदान हुआ है, जो खबरें निकलकर बाहर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। दो चरणों में रही कोई कसर आज तीसरे चरण में निकल जाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो अगुवाई करी, उसका परिणाम है कि आपके आशीर्वाद से आज कांग्रेस की सरकार बनी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, सिर्फ तीन महीनों में उन तमाम घोषणाओं पर काम करना चालू किया। 18,000 करोड़ के ऋण माफी की घोषणा करी है, चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, फसल खरीद हो, बीपीएल के परिवारों को अनाज देने की बात हो, सभी स्कीम्स पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तीन महीने में काम किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि देश के प्रधानमंत्री कल राजस्थान आए, दो दिन में चार सभाएं कर गए हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठा आरोप हमारी सरकार पर लगा कर गए हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपने 5 साल पहले जो वादे किए थे, रोजगार के, किसान की आमदनी दुगनी करने के, आतंकवाद को, नक्सलवाद को खत्म करने के, उन सब वादों पर आप झूठे निकले। आज 5 साल के बाद आप जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाने लायक रहे नहीं। जनता ने आपको 3 राज्यों में फेल किया, और इसीलिए वापस भाजपा के नेताओं ने वो बात करनी शुरू कर दी जो समाज में टकराव पैदा करते हैं। भाजपा के लोगों से पूछो कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। नोटबंदी के बाद छोटे दुकानदारों का, आम व्यक्ति की कमर टूट गई अर्थव्यवस्था की। आप सवाल पूछो तो भाजपा के साथी बोलते हैं, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, और आप सवाल पूछो तो कहते हैं आप देशद्रोही हो। आप भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो कहते आप राष्ट्र विरोधी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल राजस्थान में रही, मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार से इन 5 सालों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, इस बागड़ में, राजस्थान में आपने कौन सा ऐसा काम किया जो आपको जनता वोट दे? आपने कौन सा हवाई अड्डा बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा अस्पताल बनाया? 5 साल तक दूरी बनाकर रखी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बनती नहीं थी, इसीलिए 7 करोड़ के राजस्थान की जनता ने वो 5 साल भुगते। आज पूरे प्रदेश में भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है, सांसदों के टिकट काट रहे हैं, मंत्रियों के टिकट काट रहे हैं। आने वाला समय जनता का है, नौजवानों का है, ये आदिवासी क्षेत्र है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आज ताराचंद जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है आपके भरोसे पर। हमारी सरकार जब जब राजस्थान में रही, चाहे सोनिया गांधी जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में हो, या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, हर मोर्चे पर हमने नौजवानों का, दलितों का, गरीबों का आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, 17 दिसंबर को राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार गई, नरेगा के माध्यम से 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था, पूरे राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोगों को। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 दिन पहले तक
राजस्थान में नरेगा के श्रमिकों की संख्या 9 लाख से बढ़ाकर हमने 30 लाख करी है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आज राहुल गांधी जी ने चुनौती दी है मोदी साहब को, चुनौती दी है भाजपा की सरकार को कि हमसे बहस करो किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, न्याय योजना के बारे में, जिसके बारे में राहुल गांधी जी आपको बताएंगे। हम चुनौती देते हैं गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, उन व्यक्तियों के जीवन को बेहतर करने के लिए। आपने ज्यादा काम किया या हमने ज्यादा काम किया? चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकार बनती है, बिगड़ जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में हमें मौका मिला दक्षिण में जाने का। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये मैं आपको आज बोलकर जाता हूं। लेकिन आज राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है, आपकी जिम्मेदारी है। मंच पर हम तमाम जो लोग बैठे हैं ये आपके आशीर्वाद से बैठे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आपकी सरकार है और सरकार इस वागड़ में, इन दोनों जिलों के अंदर, उदयपुर संभाग में, राजस्थान में कभी भी धनराशि की, पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। जितना विकास आप लोग चाहोगे उससे ज्यादा विकास हमारी सरकार और पार्टी यहां पर करेगी। मैं राहुल गांधी जी को आश्वासित करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से जनता ने हमको वोट देकर सरकार में बिठाया। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा हमारी सरकार और संगठन जनसेवा में लगे हैं। लोगों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारी सरकार ने प्रण लिया है, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया। और एक एक अधिकारी को मालूम है कि कांग्रेस का जो वादा है वो जुमला नहीं है, वो झूठा नहीं है, उसको सच कर दिखाएंगे। आप लोगों से आज यहाँ राहुल गांधी जी और हम सब ताराचंद भगोरा साहब के लिए वोट मांगने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कांग्रेस आदिवासियों की, राजस्थान की जनता की पुरानी पहचान है। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से ताराचंद जी को दोबारा दिल्ली भेजो, ताकि आपकी वकालत बने करें और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान की सरकार और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी नया उदय होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप परिवार सहित खूब खुशियां आपके जीवन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।